Hello friends, welcome to our channel Asan Raha for You. नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैत्र नवरात्र कलश स्थापना विधि के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कलश स्थापना के दौरान आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। नवरात्रों में कलश स्थापना के लिए जिन चीजों की आपको आवश्यकता होगी वो है माँ दुर्गा के लिए लाल रंग का आसन, कलश स्थापना करने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, सुपारी, चावल, कलश में डालने के लिए सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, नारियल में लपेटने के लिए लाल चुनरी, सिंदूर, फल, फूल, फूलों की माला और श्रृंगार का सामान। आइए अब जानते हैं कि आप किस तरह से कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि में करना शुभ होता है। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः काल स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की साफ सफाई कर लें। सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा का नाम लेकर कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में छनी हुई मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोले। अब एक जल से भरा लोटा लें, उस पर गंगा जल की कुछ बूंदे डाल लें और जल से भरे हुए उस लोटे पर स्वास्तिक बना लें और लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली लपेट लें। जल से भरे इस कलश में सिक्का, दूध, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें और कलश को अशोक या आम के पत्ते से सजा लें। अब एक नारियल को लाल चुनरी या कपड़े से लपेट कर इस जल से भरे कलश के ऊपर स्थापित कर दें। अब इस कलश को मिट्टी के उसी पात्र के बीच में रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। यदि हो सके तो नवरात्रि के दौरान माँ के समक्ष अखंड जोत जलाएं क्योंकि यह बहुत ही शुभ होता है। कलश स्थापना के साथ नवरात्रि के 9 व्रतों का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। कहा जाता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना करते ही घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है क्योंकि इस कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा और मध्य में सभी मात्र शक्तियां विराजित रहती हैं। कलश का अर्थ नवरात्रि के दौरान इन्हीं शक्तियों को कलश में आवाहन कर उन्हें सक्रिय करने से है। नवरात्रि में माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए ईशान कोण में कलश स्थापना करें क्योंकि ईशान कोण पॉजिटिव एनर्जी और ये दिशा देवताओं की दिशा होती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह मोटिवेट करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।